यह सचमुच चक्कर में डालने वाला है। मुझे फोटोसिंथेसिस नामक प्रक्रिया समझ में नहीं आई। ठीक है, फिर समझाकर मैं कहूंगी। उसे बेहतर समझने के लिए चलो हम एक प्रयोग करें। हम जानते हैं कि पौधे कुछ नहीं खाते, इसीलिए वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हम यह भी जानते हैं कि पौधे हरे क्यों होते हैं। यह पत्तों में स्थित क्लोरोफिल के कारण है। तो फोटोसिंथेसिस के समय वास्तव में क्या होता है? जल और कार्बन डाइऑक्साइड से सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल नामक हरी तिमा की उपस्थिति में चीनी और ऑक्सीजन बनता है। प्रयोग के लिए हमें एक एक्वेरियम की जरूरत है। तालाब में उगने वाले पौधों के कुछ पत्ते जो पालतू मछलियां बेचने वाली दुकान में मिल जाएंगे और जाम या कॉफी के बोतल। एक्वेरियम को पानी से भर दो। पौधों को बोतल के अंदर रखकर इसे पानी में उल्टा खड़ा कर दो। बोतल पानी में उल्टा रखा गया है जिसमें पौधा है। इसे एक ठंडे स्थान पर रख दो। एक छोटा तौलिया या कपड़ा उस पर ढक दो ताकि उसमें प्रकाश पहुंच ना पाए। तो हम देखेंगे कि पौधे को प्रकाश से दूर रखने पर उसे कुछ नहीं होता है। अब यदि एक्वेरियम को धूप में रख दिया जाए तो हम सब देखेंगे कि पौधा फोटोसिंथेसिस कर रहा है। ऑक्सीजन के बुदबुदे पत्तों पर नजर आ रहे हैं। यदि उसे थोड़ी देर और रख दिया जाए तो वे बोतल में भर जाते हैं, वहां के जल को बाहर ढकेल देते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में छोटे छोटे बुदबुदों के रूप में ऑक्सीजन तैयार होता है। क्या यह मजेदार बात नहीं?